खास और आज संडे के दिन है, फर्स्ट रमज़ान है। आप सभी को रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ और नवरात भी साथ में चल रही है, आज दूसरी नवरात है, उसकी भी आप लोग को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इधर शॉप मैंने ओपन किया था, बताया था, उस पर मैं और कुछ स्पेयर वगैरह रख रहा हूँ अपने काम के लिए भी, बाकी कुछ थोड़ा बहुत दुकान से कुछ सेल हो जाता है, पर कोई बहुत ज़्यादा रिस्पांस तो उस तरह से नहीं रहा, लेकिन फिर भी ठीक है, अपना कुछ थोड़ा बहुत चल रहा है। तो यहाँ पर सीसीटीवी इंस्टॉलेशन का काम भी मैं यहाँ से ले रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो वीडियो बनाने का पर्पज़ ये देखिए, मेरे पास है CP+ का ईजी कैम, जो कि वाईफाई कैम है, मतलब स्टैंड अलोन कैमरा है ये। स्टैंड अलोन का मतलब ये हुआ कि इसमें आपको DVR वगैरह कुछ नहीं चाहिए, आप इसको डायरेक्ट कैमरे को इंस्टॉल कर दीजिए और उसके बाद इसको वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिए और अपने मोबाइल पे एक्सेस करिए। और एक बार ये कैमरा वाईफाई से आपके कनेक्ट हो गया, मीन्स ऑनलाइन हो गया, तो आप दुनिया के किसी कोने से भी, अगर कोई वहाँ पे लॉक नहीं लगा हुआ है कंट्री में वैसा, तो आप इस कैमरे को एक्सेस कर सकते हैं। और सस्ता है, मान के चलिए 2200-2300 रुपये का कैमरा मिल जाएगा, इसमें आपने 300-400 रुपये का मेमोरी कार्ड लगा दिया तो ये आपका कैमरा चलने लगेगा, ठीक है। और ना इसमें कोई वायरिंग होती है, जहाँ पे ये कैमरा लगेगा वहाँ पे आपको एक पावर सॉकेट देनी होगी, ये दूसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद इसमें जो है टू वे कम्युनिकेशन है, मतलब आप कहीं से भी अपने मोबाइल पे कैमरे को एक्सेस कर रहे होंगे और वहाँ से जो कुछ बोलेंगे वो उस कैमरे में आवाज़ आएगी और इस कैमरे के सामने जो वो बोलेगा आपको मोबाइल पे आवाज़ सुनाई देगी। बाकी इस कैमरे में देखिए फुल HD वीडियो, जो कि मतलब इसमें लिखा हुआ है देखिए 2 मेगापिक्सल का कैमरा है ये, पर ये कि ऑनलाइन जब चलेगा, आप इसको ऑनलाइन एक्सेस करेंगे तो मान के चलिए फ्रेम रेट काफ़ी कम हो जाएगा और 360 डिग्री ये रोटेशन पे रहेगा, मोशन अलर्ट भी इसमें आप इसमें एक्टिव कर सकते हैं, ये सारा कुछ आप इसमें मतलब फीचर्स हैं इसमें, जो कि आपको वाइड कैमरे में जो कि लगे हुए हैं इनमें आपको नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा। लेकिन सब कुछ बढ़िया है, लेकिन फिर भी एक दो प्रॉब्लम क्या है, कुछ प्रॉब्लम है इसमें। अभी तक मैंने आपको सारी अच्छाई बताई, इसकी प्रॉब्लम भी सुन लीजिए। इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये कैमरा जहाँ पे लगेगा आपको वहाँ पे एक पावर सॉकेट देना होगा, आप कितनी ऊपर कहाँ पे लगाते हैं वहाँ तक आपको एक पावर सॉकेट देना होगी, जो कि वाटर प्रूफ हो, पानी की बौछार ये सब ना पड़े। प्लस ये कैमरा जैसे डोम टाइप है, ये वाटर प्रूफ नहीं है, ठीक है, ध्यान से आप देख के लीजिएगा। इसका बुलेट भी आता है जो कि वाटर प्रूफ है, और इसमें लगता है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड आप भी जानते होंगे, जानते हैं कि ऑफलाइन सेविंग के लिए होता है, आप उसको ऑनलाइन यूज़ नहीं कर सकते 24 hours 365 days, आप उसको रेगुलर रिकॉर्डिंग पे नहीं रख सकते, वो ख़राब हो जाएगा, कितना भी अच्छा मेमोरी कार्ड हो नहीं चलेगा। तो जहाँ जहाँ भी हम लोगों ने लगाया है ये प्रॉब्लम रही है कि जब जब बैकअप की ज़रूरत पड़ी मेमोरी कार्ड ज़्यादातर ख़राब निकल गया। तो इसमें एक तरीका ये है कि आप कैमरे को डेली या अल्टरनेट डे पे चेक करते रहिए और उसमें देखते रहिए मेमोरी कार्ड ठीक है, कैमरा रोटेट कर रहा है, कम्युनिकेशन टू वे ऑडियो कम्युनिकेशन करवा रहा है कि नहीं करवा रहा। तो ये अगर आप इस तरह से चेक करते रहेंगे, जिस दिन मेमोरी कार्ड ख़राब होगा आप चेंज कर दीजिए। बाकी ये जो अपने वायर्ड कैमरे होते हैं, इनमें देखिए हार्ड डिस्क होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हार्ड डिस्क ख़राब होती है तो अलर्ट मैसेज दे देता है वो इतनी ज़्यादा, भाई ये कैमरा कहीं ऊपर बाहर लगा हुआ है तो आपको अलर्ट सुनाई ही नहीं देगा, ये आपके घर में कहीं सेफ जगह पे DVR लगा होगा उसमें से अलर्ट आएगा तो आपको सुनाई दे जाएगा, प्लस आपके स्क्रीन पे भी अलर्ट मैसेज दे देगा कि हार्ड डिस्क ने रिकॉर्डिंग बंद कर दिया। तो चार्जेस हैं उसमें ज़्यादा हैं, एक्सपेंस ज़्यादा पड़ेगा वाइड कैमरे में, वो चार कैमरे में आपका 15-18 हज़ार रुपये लग जाता है, ये आपका मैक्सिमम 3000 में ये कैमरा आपका स्टार्ट हो जाएगा विद मेमोरी कार्ड। और ब्रॉडबैंड की कॉस्ट दोनों में जो आएगी वो इसमें भी आएगी, वो उसमें भी आएगी, वो आपका एक ऑप्शनल है, आप ऑनलाइन देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते, लेकिन बजट कम है तो ठीक है, कुछ दिन का शौक है तो ठीक है, अगर आपको ऑफिशियल उस पर काम करना है, जैसे कहिए ना एक ऑथेंटिक काम करना है, तो फिर आपको वाइड कैमरा लगाना चाहिए, अगर आपको किसी पड़ोसी इधर उधर लोगों को डराने के लिए कुछ दिन का शौक है तो फिर इसको लगाइए। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, दिखाते हैं देखिए इसमें क्या क्या मिलता है, तो उससे जो है आपको आइडिया और हो जाएगा। ये फ़िलहाल मेरा काउंटर की टेबल है, देखिए ये कैमरा है, ठीक है, ये पैक था भी नहीं, मैं लेके आया हूँ इसको कल और आज फिलहाल देखता हूँ। देखिए
इसमें एलेक्सा सपोर्ट भी दिया हुआ है, गूगल वर्क विद गूगल भी दिया हुआ है, खैर वो सब यूज़ करते थे, प्लग एंड प्ले डिवाइस है, ईजी इंस्टॉल है, जो जानता है उसके लिए ईजी है, जो नहीं जानता उसके लिए टफ है। देखिए ये बॉक्स मैं फर्स्ट टाइम ही ओपन कर रहा हूँ, इसमें पैकिंग नहीं थी, अब पता नहीं कहाँ तो ली। देखिए इसका यूज़र मैनुअल है, फिलहाल काफ़ी काम का है, ये आपको रखना होगा, इसको पढ़ना होगा, और चीज़ों का आप यूज़र मैनुअल ना पढ़िए ठीक है। लेकिन देखिए इसमें दिया हुआ है इजी कैम है, इसके अंदर USB 2 मिनी USB दिया हुआ है जो कि चार्जिंग पोर्ट है, और पावर अडॉप्टर भी दिया हुआ है, क्विक ऑपरेशन गाइड ये है, बाकी SD कार्ड का इसमें दिया हुआ है कहाँ पर लगना है, रीसेट बटन भी है, आप रीसेट भी कर सकते हैं। किस तरह इसका देखिए इजी कैम प्लस इसमें इसकी ऐप है, उसको आप जब इंस्टॉल कर लेंगे और वाईफाई के थ्रू कैमरे को सर्च कराएंगे, इसमें देखिए शो भी करेगा ये कैमरे को किस नाम से है, इजी कैम प्लस नाम से ही है शायद ये, तो ये आपको जब दिख जाएगा तो इस पर पेयर बना लीजिए, उसके बाद आप अपने मोबाइल ऐप के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हो। मैं सारा कुछ आपको दिखाऊंगा, फिलहाल अभी मैंने इसको इसलिए ओपन किया कि इसमें क्या क्या रहता है। देखिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद उसमें बारकोड ओपन, देखिए ये है बारकोड ओपन करके कैमरे में स्कैन कराइए, अपने आप कनेक्ट कर लेगा, ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, पहले पेयर कराना होता था, अब जो है ईजी इंस्टॉल जिसे कि यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए किया गया है कि इसमें देखिए बारकोड आप अपने सॉफ्टवेयर पर ओपन करेंगे जो कि आपके मोबाइल का EMI नंबर, सीरियल नंबर और जो भी उस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ उसका कुछ सीरियल नंबर इस तरह से करके वो कैमरे के साथ मैप कर देगा। इसका मतलब ये होगा कि ये इसी के साथ पेयर करेगा, जिस मोबाइल ने उसको पहले स्कैन कर लिया उसी से कंट्रोल होगा, ठीक है। बाकी वायरलेस रेंज वगैरह दिया हुआ आपके घर में है, वो आपको खुद ही दिख जाएगा कितना भी कवर कर रहा है, ठीक है ये हो गया। उसके बाद देखिए ये इसके अंदर दिया हुआ है, इसके जो एसेसरीज़ वगैरह है, तो एसेसरीज़ में देखिए ये स्टैंड दिया हुआ है इसमें जिसमें कैमरे को लगाना है, ये इसका चार्जर है, ये इसके अंदर पावर केबल दी हुई है इसकी जो कि USB 2 मिनी USB है, ठीक है। बाकी देखिए ये है कैमरा, ठीक है ये रहा कैमरा, वो जो स्टैंड दिया आप इसमें लगा के उसको लगा सकते हैं, अगर आप इसको वॉल पे या छत पे लगाना चाहते हैं मतलब ऑप्शन है। देखिए इसमें स्पीकर वगैरह भी दिया हुआ है, माइक भी दिया होगा इसमें, और इसके थ्रू ये जो स्टैंड दिया हुआ आप इसको लगा सकते हैं, टेबल टॉप भी बना सकते हैं। ये कैमरा है जो कि रोटेट होगा यहाँ से जब इसको पावर सप्लाई मिलेगी, तो ठीक है। ये देखिए सारा कुछ हो गया, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ उसमें इस कैमरे को कनेक्ट करता हूँ और कम्युनिकेशन करके दिखाता हूँ, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी आप भी जान रहे हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन हो गया, ऐसे कहिए कि इसका अनबॉक्सिंग हो गई, फिर मैं आगे दिखाता हूँ आपको कैसे इसको इंस्टॉल करना है। ओके बाय।